पाठ 19 गुरमुखी लिपि दा रूप। इस कविता विच कवि ने पंजाबी भाषा दी लिपि नाल जानकारी करवाई है। गुरमुखी लिपि दे पहला 35 अक्षर सन। 6 अक्षरां दे पैरी बिंदी लगन नाल हुण इना दी गिनती 41 हो गई है। आओ पढ़ो इस पाठ विच। मां बोली पंजाबी साडी, आओ इस नु अपनाइए। इस दे सुच्चे मोतियां बारे जानकारी करवाइए। गुरमुखी लिपि सोनी, वेदा ग्रंथा विच्चों आई। ब्रह्मी लिपि दी एह पुत्री गुरुआं दे मन पाई। नाथा पीरा सिद्धा गुरुआं गुरमुखी नु अपनाया। लिख लिख के एदे विच लिखता एदा मान वधाया। सूफी फकीरा किस्सा कारा गुरमुखी विच ही लिखिया। लिख लिख किस्से गीत काफियां इसे विच सब सिखिया। सोना अपना रूप सवार दी हुण तक है ए आई। अपने 35 अखरां करके 35 है अखवाई। जद पंजाबी भाषा फारसी शब्दा नू अपनाया। 5 अखरां नू बिंदी लाके अखरां नू वधाया। फिर लगी लल्ले पैर बिंदी ताड़वी आवाज बनाई। काला आड़ा जेहे शब्दा दी फिर होई सुनवाई। 10 लगाते 3 लगाखर अखरां नाल लगाए। ह ल व पैरी लग के दुत अखर अखवाए। अइया चज्जा नाना नन्ना मम्मा नक विच जांदे बोले। इस करके एह नासकी अखर जांदे बोले। एह रूप लिपीदा जिस विच भाषा है पंजाबी। जो बोले सो लिखदी इस ते माण करण पंजाबी।